नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हगेंद्र। लखनऊ पुलिस ने रेड लाइट पर रुकने के जुर्म में बीती रात अनुशासित सिंह नाम के एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि अनुशासित बाइक पर नॉर्मल स्पीड से आ रहा था, पर जैसे ही एक जगह सिग्नल रेड हुआ तो वो फौरन रुक गया। उसे रेड लाइट पर रुका देख वहां खड़े पुलिस वाले को लगा कि शायद उसकी बाइक में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, पर जब वो 30 सेकंड तक वहीं खड़ा रहा तो पुलिस वाले को वो संदिग्ध लगा और उसने उसकी बाइक में डंडा अड़ाकर उसे फौरन वहीं गिराकर गिरफ्तार कर लिया। देखिए, यूपी में कोई भी शख्स अगर यूं एकदम से रेड लाइट पर खड़ा हो जाएगा तो कभी भी गंभीर हादसा हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं कि रेड लाइट होती क्या है। उन्हें लगता है कि जैसे चौराहे पर शो के लिए फव्वारे लगे होते हैं, वैसे ही शोबाजी के लिए जगमग वाली लाइटें लगी हैं। ऐसे में कोई आदमी एकदम से रेड लाइट पर गाड़ी रोक दे तो पीछे से आ रही गाड़ियों को अचानक ब्रेक लगाना पड़ेगा और देखते ही देखते वहाँ कोहराम मच जाएगा, इसलिए मुझे उसे गिरफ्तार कर वहाँ से हटाना पड़ा। इस बीच पुलिस जांच में युवक से जुड़ा एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। अलग अलग सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि यही युवक उस रात 3 और चौराहों पर लगी रेड लाइट पर रुका था। साथ ही पुलिस ये भी नहीं समझ पा रही है कि इतनी रात को जब कोई रोकने वाला भी नहीं था तो उसने हेलमेट क्यों लगा रखा था। इस बीच हमारे संवाददाता चुम्मी सिंह के पास बड़ी खबर है। चुम्मी, क्या जानकारी है? अगेंद्र, आपको बता दूं कि इस मामले की छानबीन के दौरान एक और ऐसा ही सनसनीखेज फुटेज सामने आया है जिसने पूरे पुलिस महकमे के होश उड़ा दिए हैं। इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि कैसे एक शख्स चौकोबार लेने के बाद उसका रैपर सड़क पर फेंकने के बजाय अपनी पॉकेट में डाल लेता है और बाद में कुछ दूरी पर डस्टबिन दिखने पर उसमें फेंक देता है। पुलिस को शक है कि ये दोनों किसी खास गिरोह के सदस्य हैं और ऐसी हरकतें करके शहर की पहचान नष्ट करना चाह रहे हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने डस्टबिन में गंदगी डालने वाले इस युवक को भी गिरफ्तार कर लिया है। चुम्मी, क्या कहना है उस युवक का? क्या उसने बताया कि आखिर क्यों उसने वो चौकोबार का रैपर सड़क पर ना फेंक कर 10 मिनट बाद डस्टबिन में फेंक दिया? हगेंद्र, आपको बता दूं कि युवक बहुत ही शातिर है। पुलिस ने इस बारे में जब उससे पूछा तो उसने कहा कि उसने रैपर इसलिए सड़क पर नहीं फेंका ताकि सड़क गंदी ना हो जाए। जवाब सुनकर पूछताछ कर रहे अधिकारी की इतनी जोर से हंसी छूटी कि वो अपनी कुर्सी से गिर गए और बाएं कूल्हे की दाई हड्डी टूट गई। मामले की सच्चाई का पता लगाने के लिए पुलिस ने युवक का नार्को टेस्ट करवाने का फैसला किया है और शहर की सीमाओं को एहतियातन सील कर दिया गया है। वहीं रेड लाइट पर रुककर राज्य का माहौल खराब करने जैसी घटनाओं के बीच पुलिस ने उन युवाओं को सम्मानित करने का फैसला किया है जो अब भी पहले की तरह अच्छे नागरिक बने हुए हैं। आप भी देखिए प्रेम, वात्सल्य और समर्पण की ये दुर्लभ तस्वीरें। Thank you.